हेलो स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले थे, कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो कि हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में मॉडुलस इन्वॉल्व हो, ठीक है। मतलब इनक्वालिटी इन्वॉल्विंग मॉडुलस, ठीक है, और जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि सॉल्व द इनक्वालिटी, जो हमारा इनक्वालिटी है दिया हुआ है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। मॉड ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ क्या दिया हुआ, एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसको हमको क्या करना, सॉल्व करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा क्या है, एक तो क्वाड्रेटिक है, ऊपर से मॉडुलस है, ठीक है। एक हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, दूसरा मॉडुलस इन्वॉल्व है, और तीसरा हमारा इनक्वालिटी है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारा गिवन एक इक्वेशन जो है इनक्वालिटी, वो हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब जो है हम क्या करते हैं, जैसे हम आते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर ये क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, यानी मॉड ऑफ एक्स पावर एम को मॉड ऑफ एक्स पावर एम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखे, एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ये हो गया मॉड एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अब क्या किया, लेट हम मान लिए वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स पुट कर दिए इस इक्वेशन, इस इनक्वालिटी में, तो हमारा क्या बन गया, तो मॉड एक्स का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब क्या किया इसको, इसको हम फैक्टराइज कर लिए, तो क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वाई, तो ये माइनस वाई बन जाएगा, और माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहाँ से क्या आ गया, तो यहाँ से वाई प्लस वन इंटू वाई माइनस टू और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये आ गया। अब इनक्वालिटी चैप्टर में हम बताए थे कि ये इनक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा होगा, तो अब दोनों को जीरो की इक्वल करो, तो एक से वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, इसको वाई प्लस वन जीरो करेंगे तो माइनस वन, और एक से वैल्यू क्या आएगा, वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो यानी टू आएगा। तो छोटा से छोटा यानी लेस देन इक्वल टू माइनस वन, और बड़ा इसमें टू है, तो वाई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब जो है चूंकि वाई इक्वल टू हम मॉड एक्स माने थे, तो मॉड एक्स रख देते हैं, तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन, या फिर क्या हो जाएगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो चूंकि मॉड एक्स जो है वो हमारा जो है निगेटिव माइनस वन से छोटा हो नहीं सकता, तो यहाँ से तो एक्स बिलोंग्स टू फाइव आ गया, यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, टू है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड एक्स, अब जब ग्रेटर देन इक्वल टू टू रहता है तो जब इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस टू या एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू तक, और यूनियन और टू से इन्फिनिटी तक, ये सारा वैल्यू जो है इसका इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, इस इनक्वालिटी को, ठीक ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लो क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, क्वेश्चन है इस तरह से हमारा दिया हुआ है कि सॉल्व द इनक्वालिटी, सॉल्व द इनइक्वेशन, इनइक्वेशन बोले या इनक्वालिटी बोले, दोनों बात बराबर है, ठीक है। तो सॉल्व द इनक्वालिटी हमारा क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं इस तरह से दिया हुआ है, थ्री मॉड एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन सेवन, तो इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना, ठीक। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। हम जो है सबसे पहले क्या है, गिवेन क्या है हमारा है, गिवेन जो है इनक्वालिटी है वो हमारा है थ्री मॉड एक्स माइनस वन, थ्री मॉड एक्स माइनस वन और प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन सेवन, तो ये जो है हम मान लेते हैं इक्वेशन ए, ठीक है। अब जो है हमारा है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बताए थे, कि मॉड के अंदर जो रहता है उसको जीरो की इक्वल करते हैं, तो एक्स माइनस वन मॉड के अंदर है तो उसको जीरो किए, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, वन। तो अब क्या करेंगे, वन को हम नंबर लाइन पे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू वन आ गया, तो एक्स इक्वल टू वन से बड़ा में क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, तो ये हम केस वन मान लिए, ये केस टू मान लिए। तो हम क्या किए, केस वन में माने कि हमारा जब एक्स जो है, वेन एक्स इज लेस देन वन, तो एक्स लेस देन वन होगा तो ये क्या आएगा, मॉड के अंदर वाला पार्ट निगेटिव आएगा, तो ये हमारा मॉड के अंदर निगेटिव आ गया, तो उसको जब मॉड खोलेंगे तो माइनस बाहर लगा देंगे, तो माइनस हो गया, ये एक्स माइनस वन खुल गया, और प्लस एक्स स्क्वायर अब ग्रेटर देन क्या हो गया, सेवन। यहाँ से सॉल्व करके आ गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस थ्री एक्स, अब माइनस माइनस प्लस थ्री, और ये सेवन लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस सेवन, तो प्लस थ्री माइनस सेवन इज ग्रेटर देन जीरो,
यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से बड़ा छोटा से छोटा, तो बड़ा हमारा क्या 4, इसको 0 की कॉल करेंगे, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू 4 आया। तो बड़ा से बड़ा और इसको 0 की कॉल करेंगे तो छोटा माइनस 1, तो छोटा माइनस 1 से छोटा, तो 4 से बड़ा माइनस 1 से छोटा, ये आ गया एक यहाँ से सॉल्यूशन। अब इसको क्या करेंगे, केस वन जो हमारा लिए है इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ इंटरसेक्शन करके हमारा जो केस वन का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ऑफ केस वन, वो क्या आ जाएगा, इस दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है, इसका और इसका इंटरसेक्शन। तो क्या आ जाएगा, वन से छोटा में क्या आ जाएगा, ये 4 से बड़ा, 1 से छोटा, इसका इंटरसेक्शन गायब, तो ये हमारा माइनस 1 से छोटा और 1 से छोटा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, केस वन का रिजल्ट एक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, माइनस वन से छोटा, यानी माइनस वन माइनस इन्फिनिटी, ठीक। ये हमारा रिजल्ट वन हो गया केस वन का। तो अब चलते हैं केस टू को देखते हैं। तो केस टू में हमारा क्या है, केस टू में है जब हमारा एक्स ग्रेटर देन वन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो जब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, मॉड जो है प्लस से खुलेगा, तो ये 3 इंटू एक्स माइनस वन, यहाँ प्लस 1 से खुल गया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस लेफ्ट साइड ले लिए, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया, 7 को इधर ला लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 ग्रेटर देन 0 हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर ये हमारा 10 है, तो ये 5 इंटू 2 यानी प्लस 5x माइनस 2x और माइनस 10 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, बड़ा से बड़ा यानी ग्रेटर देन 2 और छोटा से छोटा यानी एक्स लेस देन माइनस 5। तो चूंकि यहाँ पे 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा में इसमें कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, तो ये हमारा जो है गायब हो जाएगा। तो 1 से बड़ा और 2 से बड़ा में क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब रिजल्ट ऑफ केस टू, केस टू से हमारा क्या आएगा, केस टू से मिलेगा कि एक तो हमारा एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 और एक हमारा एक्स ग्रेटर देन 2, तो यहाँ से आ गया हमारा 2 से बड़ा यानी 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा, फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी फाइनल आंसर बोलो या सॉल्यूशन बोलो, तो वो क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 और यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा एक कुछ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द इनइक्वलिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स प्लस टू, ठीक है। तो इसको हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे चूंकि मॉडुलस इन्वॉल्व है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे, मॉड के अंदर जो है उसको 0 की कॉल किया, मॉड के अंदर एक्स प्लस टू है उसको 0 की कॉल किया, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ गया, इधर भेजे माइनस टू, तो माइनस टू को अब क्या किया, नंबर लाइन पे ले लिए, एक ही एक्स का वैल्यू आएगा, तो ये हमारा माइनस टू आ गया, ठीक है। तो ये हमारा मान लिए केस वन और ये मान लिए केस टू, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं केस वन, तो केस वन में क्या होगा, वेन एक्स जो है लेस देन माइनस टू, तो एक्स लेस देन माइनस टू होगा तो क्या होगा, यहाँ पे मान लो माइनस टू से छोटा जो है माइनस थ्री, तो माइनस थ्री पे ये निगेटिव आ रहा है मॉड के अंदर, तो मॉड के अंदर निगेटिव आता है तो क्या करते हैं उसको, उसको जो है हम लिख दिए माइनस लगा के, तो ये माइनस का एक्स प्लस टू हो गया। अब जो है इसको राइट साइड ला लिए, तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये हमारा एक्स प्लस एक्स प्लस टू और ये हमारा ग्रेटर देन 0, यानी ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये इसको हम क्या लिख सकते, तो अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन 0, तो ये जो हमारा आ गया ये क्वाड्रेटिक आ गया, और क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 है या नहीं है ये कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ का कॉपी एक्स स्क्वायर कॉपिशियंट 1 है, तो यानी ए का वैल्यू 1 हो गया जो कि पॉजिटिव है, यानी ए पॉजिटिव है। अब डी निकाल के देखते हैं, तो डी इज इक्वल टू क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हमारा क्या हो गया, बी का वैल्यू 2 है, तो 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 2 है, तो ये क्या आ गया, सॉरी ये 2 है, तो ये आ गया माइनस 4, यानी डी जो है वो निगेटिव आ गया। अब चूंकि चूंकि ए पॉजिटिव एंड डी निगेटिव, ए पॉजिटिव और डी निगेटिव रहता है, तो क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है एक्स के ऑल रियल वैल्यू के लिए, तो ये जो है ग्रेटर देन 0 है, मतलब एक्स के ऑल रियल वैल्यू इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गया इस केस के लिए, ठीक है। लेकिन ये केस कब तक वैलिड है, जब हमारा एक्स लेस देन माइनस टू होगा तभी। तो इस दोनों का क्या करेंगे, इस दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन लेने से क्या हुआ, केस वन का जो हमारा रिजल्ट आया, फाइनल सॉल्यूशन केस वन का जो सॉल्यूशन आया वो हमारा क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू से छोटा, यानी एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू आ गया,
ठीक है। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, केस टू को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो केस टू में हमारा क्या होगा, केस टू में हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं। तो जो क्वेश्चन है ये हमारा केस टू में ये वाला लेंगे, यानी एक्स ग्रेटर देन माइनस टू लेंगे, ठीक है। तो एक्स ग्रेटर देन माइनस टू में क्या होगा, ये हमारा एक्स प्लस एक्स ग्रेटर देन माइनस टू है, यानी एक्स प्लस टू का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो सीधा मॉड हट जाएगा, तो एक्स प्लस टू ही बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर और ये एक्स और एक्स एक्स माइनस एक्स जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन टू आ गया। तो यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिए, तो ये मॉड एक्स हो जाएगा ग्रेटर देन ये मॉड ये रूट टू हो जाएगा, ठीक है। अब मॉड ग्रेटर देन रूट टू मतलब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, एक्स लेस देन माइनस रूट टू या फिर एक्स ग्रेटर देन प्लस रूट टू। तो छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, लेकिन यहाँ पे क्या लेना है, माइनस टू से बड़ा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस रूट टू से छोटा। यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा माइनस टू से बड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा माइनस रूट टू मान लो, और यहाँ पे मान लो रूट टू, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस रूट टू से छोटा। ये दोनों कॉमन आ गया यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया इसका इस केस टू में, और एक आ जाएगा रूट टू से बड़ा, यानी ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से सेकेंड केस से क्या आ गया हमारा सॉल्यूशन, सेकेंड केस से आ गया एक्स बिलोंग्स टू ये माइनस टू से माइनस रूट टू तक, ठीक है, और रूट टू से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये आ गया, अब यहाँ पे शामिल भी कर सकते हैं इसको माइनस रूट टू को, तो ये माइनस रूट टू यहाँ पे शामिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ आ गया, अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो फाइनल सॉल्यूशन जो होगा, फाइनल सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा, दोनों का यूनियन हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का यूनियन यानी एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, और यूनियन, और यहाँ पे क्या होगा, टू माइनस टू से माइनस रूट टू, और यूनियन, और यहाँ पे माइनस रूट टू से इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसको हम माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू है, यहाँ पे माइनस टू इंक्लूड है, यहाँ पे एक्सक्लूड है, तो माइनस टू से माइनस रूट टू। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से डायरेक्ट माइनस रूट टू तक, ये हो गया, और यूनियन और रूट टू से इन्फिनिटी तक डायरेक्ट, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब जो है हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ेंगे, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक से रिलेटेड होगा, कि क्वाड्रेटिक अगर हमारा इनक्वालिटी में दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जस्ट लाइक मान लो कि ये हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा, जो चार पॉइंट्स में हम लिखा रहे हैं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला ये है कि अगर हमारा इफ़ एफ एक्स ये हमारा कोई क्वाड्रेटिक है जो ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स के ऑल रियल वैल्यू के लिए अगर एक्स एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है, देन तो उसके बाद क्या होगा, अगर हमारा एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब ए पॉजिटिव और डी निगेटिव होगा, तो ए पॉजिटिव हो गया और डी निगेटिव हो गया, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, जस्ट अभी जो पढ़े उसी का ये रिवर्स है, जो कि हमको याद रखना जरूरी है, ये याद रखना है, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि अगर हमारा एफ एक्स लेस देन जीरो है एक्स के ऑल रियल वैल्यू के लिए, एक्स बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि ए निगेटिव और डी निगेटिव होगा, ए भी निगेटिव और डी भी निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। अब इसी तरह से हमारा थर्ड पॉइंट याद रखना क्या, थर्ड पॉइंट यह है कि अगर हमारा इफ़ एफ एक्स जो है वो हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स के एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब एक्स के ऑल रियल वैल्यू के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल टू है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा हमारा ए जो है पॉजिटिव होगा और डी जो है लेस देन और इक्वल टू जीरो होगा, लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा थर्ड का थर्ड हो गया रिजल्ट। ये हमारा फोर्थ में अगर देख लो कि मान लेते हैं कि इफ एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स के ऑल रियल वैल्यू के लिए अगर ये लेस देन और इक्वल टू हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ए जो है निगेटिव होगा और डी भी लेस देन और इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो ये हमारा चार केस है जो कि याद रखना है इसको, ठीक है, ये चारों को हमको क्या करना है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, इसको रिमेम्बर करना है ताकि इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो सके क्वाड्रेटिक से रिलेटेड, क्वाड्रेटिक इन्वॉल्विंग मीन, ठीक है। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से है कि मान लेते हैं कि हमारा इफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर ए एक्स
प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। क्या कह रहा है? फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये जो है हमारा ग्रेटर देन और जीरो है, देन ए क्या कह रहा है, देन ए लाइज इन द इंटरवल, ए जो है किस इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है, ए लाइज इन द इंटरवल। ऑप्शन हमारा क्या है? तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा माइनस टू से फोर तक, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है वन से लेके टू तक, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है माइनस रूट टू से रूट टू तक, और चौथा ऑप्शन क्या है नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। तो हमको इसको सॉल्व करना है। तो अभी जो पढ़े थे इसी पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है, इसी प्रॉपर्टी पे, कि हमको याद होना चाहिए कि अब मान लिए जो दिया हुआ उसको एफ एक्स मान लेते हैं, क्वाड्रेटिक जो है उसको एफ एक्स मान लिए, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर ए एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो। तो एफ एक्स हमारा ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब x के ऑल रियल वैल्यू के लिए यहाँ पे दिया हुआ है फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, x के ऑल रियल वैल्यू के लिए ये एफ एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि a भी पॉजिटिव होना चाहिए और d नेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। तो अब यहाँ पे अगर a देखें तो a हमारा क्या है वन, कोफिशियंट क्या है एक्स स्क्वायर का वन, जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो इसका मतलब d जो है हमारा क्या होना चाहिए लेस देन जीरो होना चाहिए। तो d इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है लेस देन जीरो। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे बी जो हमारा क्या है एक्स का कोफिशियंट, जो कि यहाँ पे फोर ए है, यहाँ पे हो गया फोर ए का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन है और इंटू सी का वैल्यू क्या है टू है, ये हमारा टू है जो कि लेस देन जीरो है। यहाँ से क्या आ गया सिक्सटीन ए स्क्वायर फोर ए का होल स्क्वायर सिक्सटीन ए स्क्वायर माइनस ये हमारा क्या हो गया एट लेस देन जीरो। तो यहाँ से एट से डिवाइड कर दिए तो टू ए स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो। यहाँ से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर लेस देन, यहाँ से क्या आ जाएगा वन बाय टू, ठीक है, ए स्क्वायर लेस देन वन बाय टू आ जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड ऑफ ए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिए तो लेस देन वन बाय रूट टू, तो यहाँ से माइनस वन बाय रूट टू से लेस देन है तो छोटा और बड़ा के बीच होगा, तो माइनस वन बाय रूट टू से ए वन बाय रूट टू के बीच होगा, ठीक है। तो ए कहाँ से कहाँ लाइक कर रहा है माइनस वन बाय रूट टू से वन बाय टू के बीच, तो ए बिलोंग्स टू माइनस वन बाय रूट टू टू वन बाय रूट टू। अब देखें तो ऐसा कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी ऑप्शन, तो यानी ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दिस हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, क्वेश्चन इस तरह से है, इस क्वेश्चन में देखें तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, मान लेते हैं कि क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स लेमडा एक्स प्लस माइनस ट्वेंटी ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व लेस देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो क्या कर रहा क्वेश्चन में, एक्स के ऑल रियल वैल्यू के लिए हमारा ये जो है लेस देन और इक्वल टू जीरो है, तो लेमडा का क्या वैल्यू होगा, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो चूंकि ये हमारा दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक जो है लेस देन इक्वल टू जीरो है और एक्स के ऑल रियल वैल्यू के लिए, तो ऐसा अगर कंडीशन हो तो हमको यहाँ पे रिजल्ट का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स लेमडा एक्स माइनस ट्वेल्व लेस देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स के ऑल रियल वैल्यू के लिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे इसका मतलब जो है एफ एक्स को मान लिए, इसको जो है ये जो हमारा है ये एफ एक्स मान लिए, ठीक है। तो ये एफ एक्स हो गया हमारा लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स लेमडा एक्स माइनस ट्वेल्व, तो चुप इसलिए हमारा, तो अब गिवेन कंडीशन क्या हो जाएगा, तो गिवेन हो जाएगा हमारा एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। जब ऐसा रहता है तो अभी बताए थे रिजल्ट याद करने के लिए क्या होता है, एफ एक्स अगर लेस देन जीरो हो तो इसका मतलब ए जो है निगेटिव होगा और डी भी लेस देन और इक्वल टू जीरो, अगर यहाँ पे इक्वल टू है तो इक्वल टू होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा इसका मतलब ए हमारा क्या है, इसका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट लेमडा, तो हमारा लेमडा क्या हो गया लेस देन जीरो पहला, दूसरा हमारा क्या है बी स्क्वायर यानी डी जो है लेस देन इक्वल टू जीरो यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये हमारा हो गया बी यानी सिक्स लेमडा का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए का वैल्यू लेमडा है और सी का वैल्यू माइनस ट्वेल्व है, ये क्या होगा हमारा लेस देन इक्वल टू जीरो होगा,
ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक तो हमारा क्या हो गया, लेमडा लेस देन जीरो, दूसरा हमारा यहाँ से निकलेगा 36 लेमडा स्क्वायर, और ये प्लस 48 लेमडा लेस देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया, लेमडा लेस देन जीरो, और यहाँ से 12 से डिवाइड कर दिए, तो ये 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा लेस देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये हमारा रहने देते लेमडा लेस देन जीरो, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा, ये क्या हमारा है, लेस देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से लेमडा कॉमन कर लिए, तो 3 लेमडा प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो एक क्या होगा, या तो हमारा लेमडा को जीरो, इसको जीरो करेंगे तो लेमडा जीरो, इसको करेंगे तो -4/5। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो छोटा बड़ा के बीच में लिखते हैं, तो छोटा हमारा -4/3 है, तो -4/3 से लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो तक, और एक लेमडा का वैल्यू लेस देन जीरो है, मतलब यहाँ पे इक्वल टू हट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर यानी अगर सॉल्यूशन बोले या आंसर बोले, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो लेमडा बिलोंग्स टू -4/3 से जीरो तक। तो जीरो पे यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल है लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो दोनों का इंटरसेक्शन ये इक्वल हट जाएगा। तो ये हमारा ओपन हो गया और यहाँ पे क्लोज है, तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूज करके हम जो अभी प्रॉपर्टीज पढ़े थे, जितना भी प्रॉपर्टी पढ़े थे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे बेस्ट, जब तक हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन इस तरह से है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ, फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ, फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच गिवेन एक्सप्रेशन, क्या दिया हुआ है हमारा, के -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस के प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। क्या कह रहा है, के का लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू, सबसे छोटा इंटीजर वैल्यू क्या होगा, ताकि ये कंडीशन गिवन कंडीशन सही हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर देखें तो ये भी हमारा जो है उसी टाइप का क्वेश्चन है कि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है जो कि ग्रेटर देन जीरो है एक्स के और रियल वैल्यू के लिए। इसका मतलब यहाँ पे ए लेस देन जीरो होगा और डी ग्रेटर देन जीरो होगा गिवन कंडीशन से। ठीक है, तो यहाँ ए क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशियंट के माइनस टू लेस देन जीरो, और दूसरा हमारा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, तो यानी बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू क्या है k-2 और सी का वैल्यू क्या है k+4, ये हमारा क्या हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं दोनों को, तो एक तो आ गया k-, यहाँ पे k-2 आ गया, तो एक तो k-2 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 8 का स्क्वायर 64 -4 टाइम्स k-2 इंटू k+4 इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा 16 माइनस, और ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा k² + 2k-8 जो कि ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -k² और ये -2k और +8 और +16 यानी +24 ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे क्या किया, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, तो k² और ये -2k का +2k हो जाएगा और ये -24 हो जाएगा, और ये हमारा ग्रेटर देन का लेस देन बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो गया, k² + 2k - 24, तो 24 को 6 × 4 लिख दिया, तो ये हमारा k² इसको लिख दिया +6k - 4k और -24 ये लेस देन जीरो। तो फैक्टराइज कर दिए तो k+6 × k - 4 आ गया जो कि लेस देन जीरो हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि ये हम छोटा बड़ा के बीच में लिख सकते हैं लेस देन में, तो छोटा हमारा -6 होगा, इसको जीरो की इक्वल करेंगे तो -6, बड़ा हमारा क्या हो जाएगा 4, तो ये एक्स जो है छोटा बड़ा के बीच में हो गया। तो इसका मतलब जो है ये हमारा -6 से 4 आ गया और ये का आ गया <2। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन, तो ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू -6 से लेके ये 2 तक आ जाएगा और यहाँ पे 4, तो 2 तक आ जाएगा, तो -6 से 2 ये आया एक्स का रेंज। अब हमारा आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर हमारा होगा, फाइनल आंसर क्या पूछ रहा है कि हमको लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछ रहा है, तो इस इंटरवल में लीस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहा, पॉजिटिव नहीं पूछ रहा, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू, तो -6 हमारा यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब लिस्ट जो है कम से कम -5 आएगा, तो एक्स का वैल्यू
कम से कम -5 होगा इंटीजर वैल्यू। ठीक, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया फाइनल। ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम कुछ पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, मोनोमियल पॉलिनोमियल इस तरह से। ठीक,